एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि। देखेंगे ओवरऑल 26 फरवरी से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि की लाइफ में, और मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, यूनिवर्स मुझे बताएं 26 फरवरी से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि वालों की लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि वालों, एक मिनट एक और डेक ओपन कर लेती हूँ, फिर क्रॉस चेक करती हूँ। यूनिवर्स धनु राशि वालों के लिए 26 फरवरी से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। रिट्रोग्रेड रिव्यू। ओके, सो बेसिकली धनु राशि वालों, आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को रिसीव हो सकती है। ठीक है, ये वीक मुझे एक अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ये अपॉर्चुनिटी या ऑफर काफ़ी लोगों के लिए करियर परस्पेक्टिव से होगा, यानी कि कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। कुछ लोगों के लिए जो स्पेशली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक मैरिज ऑफर रिसीव हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले सकता है, लाइक काइंड ऑफ क्रश, या कोई पहचान वाला आप में इंटरेस्ट ले सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप काफ़ी कम्युनिकेशन में भी अच्छे रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी इस वीक, और कहीं ना कहीं काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड दिखाई देंगे। अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस करेंगे। मेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे, इमोशन से कम। इमोशनली आप नहीं सोचेंगे, आपके फैसले इमोशनल नहीं होंगे, आपके फैसले काफ़ी सोच समझ कर कहीं ना कहीं दिमाग से कहीं ना कहीं आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेंगे जो आपको, जिसके फैक्ट्स आपको नहीं पता हो। ठीक है, आप उन चीज़ों पे बिलीव करेंगे जो आपको पर्सनली दिख रहा है, यानी कि जो आपके सामने हैं आप उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करेंगे। बिना देखे किसी भी चीज़ पे अंधाधुनी विश्वास नहीं करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छे लेवल का दिखाई दे रहा है। मन में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को बहुत बदल रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस को लेकर आप ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं कि अरे यार फाइनेंसेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, उतने हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो मेरा प्लान था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई लगेंगी। फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से सोच विचार करते रहेंगे, यानी कि पैसों को लेकर कि आखिर कब चीज़ें बदलेंगी या कब ज़्यादा अच्छा पैसा आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा कम है, लेकिन आप पैसों को गिनकर ऐसे सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि यार अभी ये बहुत कम है, आपने ज़्यादा की उम्मीद की थी, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट किया था, या आपके खर्चे इतने हो गए हैं जिसके वजह से आपको लग रहा है कि इनकमिंग ज़्यादा आई और आउटगोइंग ज़्यादा हो गई। इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फाइनेंसिस को लेकर ज़्यादा सोच विचार है इस वीक, ऐसा दिखाई दे रहा है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तीसरा व्यक्ति या कोई कंपटीटर या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपका दुश्मन हो, आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा इस वीक, आपको बॉदर करने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। अब ये तीसरा व्यक्ति आपको ही पता कौन है, लेकिन ये आपके कोई पहचान वालों में से होगा, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन हो सकता है, या आपका कोई कॉम्पटिटर हो सकता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराने की कोशिश करेगा, कोई आपके ऊपर बॉसी होने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा। आप कुछ तरीके के रियलिटी चेक्स का भी सामना करेंगे इस वीक में। कुछ चीज़ों को लेकर आप क्लारीफाई हो जाएंगे कि अच्छा फाइनली ये चीज़ें, मतलब एक कंक्लूजन, एक क्लैरिटी रिसीव हो सकती है। और इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए खुद को पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप श्योर नहीं हैं कि आपको आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं, या ये कह सकते हैं कि आप आगे स्टेप लेते हैं लेकिन अचानक से आपको लगता है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी या जल्दबाजी तो नहीं कर ली, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि पास्ट में आप कुछ चीज़ों को छोड़कर बाहर निकले हैं। कोई क्रिएटिविटी तो दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों में, एक सेकेंड संबंध जोन दो, चलो ये चीज़ ना मैं थोड़ा सा खुलकर आप लोगों को समझाती हूँ। कोई डोर पे था, सॉरी मुझे बीच में रुकना पड़ा। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में अगर मैं करियर परस्पेक्टिव से देखूँ आपके, तो करियर में आप कुछ टीम वर्क को करते हुए, कुछ क्रिएटिविटी करते हुए, कुछ नया अनोखा करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि अपने काम में किसी तरीके के परिवर्तन पास्ट में नज़र आ रहा है आपने किए हैं।
जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप अपने रिजल्ट्स को अचीव भी कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हाँ, उतने अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे जितने आपने एक्सपेक्ट किया, आपको लग रहा है चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी, ठीक है। बट अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़े हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील कर रहे थे, कोई आपकी ऐसी मूवमेंट दिखाई दे रही है जिसके लिए आप बहुत सोच विचार कर रहे थे और बहुत फाइनली आपने जो है अपने आप को चुनकर, अपने आप की खुशियों को चुनकर आगे बढ़ना सही समझा। अब आप अपने जीवन की जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो अचानक से इस हफ्ते फिर से आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति उसी चीज़ों को लेकर आपको परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर ये एनर्जी ऐसे भी बन रही है, या तो ये थर्ड पार्टी है, ये आपके, या ये आपके अंदर का एक एडिक्शन या ऑब्सेशन जो उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फील हो रहा है, यानी कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज में काफ़ी ज़्यादा पुरानी एनर्जीज में जा रहे हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आप थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप थोड़ा सा मेंटली एक तरीके की कन्फ्यूजन या डिस्टर्बेंस फील करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते सबके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो स्पेशली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं जो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो तो आपको कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस इस हफ्ते फील हो सकते हैं। साइकिक एक्सपीरियंसेस यानी कि आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स या एनर्जीज देखने को मिल सकती है। नेगेटिव वाइब्स एज इन नॉट नेगेटिव, आपको वो हार्म नहीं करेंगे, बट चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि इस वीक जो है आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जाए, जैसे कि आपको किसी की शैडो दिख जाए, या आपको कुछ लाइक बोलते हैं ना कि आने वाले समय की कुछ झलकियाँ दिख जाएँ, या अचानक से आपको कोई प्रेत वगैरह जो होते हैं, सोल्स होती हैं, वो कुछ दिख जाएँ, या सडनली कोई ब्लैक कैट, काली बिल्ली आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो आपको अचानक से थोड़ा सा हॉन्ट करेगी और डराएगी, और आपको लगेगा कि शिट यार ये क्या हो रहा है, समथिंग, कोई तरीके का डर, कोई घबराहट आपके अंदर इस हफ्ते आपको अनुभव होगी। आप अपने इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए अपने बारे में जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व हैं, एंड मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जीज़ का एहसास होगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू, लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके से आपको कोई तकलीफ होगी या कोई आपको हार्म करेगा, बट समवेयर आप कुछ बहुत अजीब सा बिहेव या मतलब एक अजीब सी एनर्जी को फील कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर के एक ऑरा को या आपके अंदर के एक चक्रा को फील करवाएगी इस तरीके की। ये बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, अगर डर गए तो फिर डर गए बस, बट लगे रहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अरे एकदम आप बहुत ज़्यादा डीप घुस जाओ, बिना गुरु और किसी भी इंसान की मदद से आप आगे मत बढ़ो, ज़्यादा आगे एक्सेस मत करो कोई भी चीज़ में अगर स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर कुछ अनुभव हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है, ओके। बाकी मैं अगर बात करूँ ओवरऑल एनर्जीज पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको जो है थोड़ा सा बॉदर करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों की बुरी नज़र रहेगी, कुछ लोग आपको जलाने का प्रयास करेंगे, तकलीफ करने का, जलाने एज इन जलस फील कराने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोग आपको जैसे कि कुछ हार्श ट्रूथ या रियलिटी चेक देने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन में थोड़ा सा इनको लेकर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन तीसरे व्यक्ति को या कंपटीटर्स को ज़्यादा ध्यान ना दे तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप अपनी लाइफ में ये हफ्ता हंसते हंसते निकाल लेंगे, ओके। यूनिवर्स 26 फरवरी से 4 मार्च तक लव लाइफ कैसी रहेगी? फाइनेंशियल हिसाब से अगर मैं देखूँ तो धनुराशि वालों फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, लेकिन यस थोड़ी से ट्रबल्स होंगे, थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो रही हैं, उतने एक्सट्रीम फाइनेंसेस भी नहीं दिख रहे हैं जितने आपने एक्सपेक्ट किए, क्योंकि बेसिकली बहुत लोगों ने ना धनुराशि में आफ्टर 7:30 एक्सपेक्ट किया कि अरे एकदम से बहुत धन जो है भर भर कर आएगा, तो यस वो चीज़ें एग्जैक्टली अभी नहीं हो रही हैं, अपकमिंग इवेंट्स में हो सकती हैं, बट अभी थोड़ा सा और समय है, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं वहाँ पर अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें डीले हो रही हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें फील करेंगे जिसमें आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स लव लाइफ बताएं धनुराशि वालों की 26 फरवरी से 4 मार्च। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने किसी रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर रहे हैं और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी कि आप किसी लव रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो उसे पीछे आप मूव ऑन करके उसका एंड समझ कर कि यार सब कुछ एंड है, बस अब इसमें मुझे और उम्मीदें नहीं चाहिए, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर ऑलरेडी आप कुछ हार्डवर्किंग एनर्जी में हैं, अपने फाइनेंसिस पे, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें कि आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग, यस मुझे ऐसा दिख रहा है आपको न्यू बिगनिंग, इस हफ्ते आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बट आपके पास्ट को लेकर आप थोड़ा सा अभी भी अडिक्टेड हैं, अभी भी थोड़ा सा आपके लिए इतना, देखो एक
मूव ऑन की एनर्जी होती है या कोई एंडिंग होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हमें लगता है 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, नहीं, कुछ महीने लग जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे की कुछ मेमोरीज आपको डेफिनेटली अपसेट फील करा रही है, थोड़ा डिप्रेस फील करा रही है। ठीक है, ये नक्षत्रों का हेर फेर है और कुछ नहीं। इमोशनली आपको ट्रैप नहीं होना है इन चीज़ों में। यूनिवर्स मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 26 फरवरी से 4 मार्च तक। द मैजिशियन सन 6 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई मैजिशियन द टावर। ओके, यूनिवर्स मुझे इनके पार्टनर के एक्शंस बताएं, इनके पार्टनर के एक्शंस बताएं। धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 26 फरवरी से 4 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। धनु राशि वालों, आपकी कार्ड नहीं निकली है ऐसी, लेकिन स्टिल एक बोलते हैं ना, मेरी साइकिक एबिलिटीज मुझे कह रही हैं कि चांसेस बहुत हाई हैं कि इस वीक में या अपकमिंग वीक में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यूनियन होगा, मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है, बट इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि पता नहीं क्यों एक साइकिक एबिलिटीज़ ये कह रही हैं कि जैसे कि वो व्यक्ति वापस आएंगे, लेकिन आप जो इस पोजिशन में है ना, जो एक डेविल की एनर्जी यहाँ पे मून में उदासी, ये जो एनर्जी दिख रही है, ये रिप्रेजेंट ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें आप कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, मुझे थर्ड पार्टी से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के आने से बहुत परेशान है। बिकॉज फॉर यू ये रिलेशनशिप एंड कर चुका है, अब आपके पास एनर्जी नहीं है इस रिलेशनशिप में दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रस्ट करने के लिए। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इनको, अब आपके पार्टनर को ट्रस्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि यूनियन, बट कार्ड्स आपके ये कह नहीं रहे, बट पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग है यहाँ पर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि चांसेस है कि इस वीक ये जो रीड कर रहे हैं या अपकमिंग वीक जो है उस वीक के दौरान मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आ सकते हैं। बिकॉज ही देखो फीलिंग्स में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली उनके मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जहाँ पर वो आपके लिए बहुत केयर कर रहे हैं, आपके लिए लविंग है, केयरिंग है, गिविंग एनर्जी में है, जहाँ पर उनको आपका ख्याल आ रहा है, वो आसपास अपने परिवार पे भी फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कैन सी कि पास्ट में आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हो गए और कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो चांसेस है कि ये व्यक्ति सडनली बहुत चेंज हो गए और कहीं यहाँ वहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान देने लगे, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है। आई कैन से दैट कि थोड़े से चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन है इनके अंदर, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया उनको सही लग रहा है। अपनी बातों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या इन कॉन्टैक्ट हो, ये कहीं ना कहीं आपको गलत महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपने कुछ रॉन्ग किया है, बट आपने अपनी तरफ से सही जो है जजमेंट दी है, आपने जो सोचा जो बोला वो राइट किया है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। इस तरीके से इन्होंने बातचीत आपसे बंद कर रखी है, आपको ध्यान ना देते हुए, डिस्ट्रैक्ट करते हुए, यानी कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना कर रखी है। बट कहीं ना कहीं ये आपके साथ दोबारा यूनियन चाहते ज़रूर हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये भी कि आपके लिए यूनियन के लिए प्लान करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मतलब इन द सेंस ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। यस, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यस, एक्शंस में जहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर एक्शंस नहीं है। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग कहूँ तो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन है। चांसेस है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और अगर इनको आप अप्रोच करेंगे तो ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट आई डोंट नो व्हाई इस वीक या नेक्स्ट टू इस वीक छोड़कर या तो अगले वीक हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे और आप कन्फ्यूज हो जाएं कि अब मुझे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोग इन कॉन्टैक्ट में हैं वो एक ही घर में रहकर थोड़े से डिफरेंसेस को फील करेंगे, थोड़ी सी दूरियों को फील करेंगे। आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई हैं और सिचुएशन जो है वैसी संभल नहीं रही जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी, यानी कि जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में काम को लेकर या किसी तरीके से टाइम ना दे पाने को लेकर वो थोड़ी सी आपको महसूस होगी। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वीक है वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको फील होगा कि आपके पार्टनर जो है दूसरी जगहों पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि
परिवार में बाकी लोगों को ध्यान दे रहे हैं पर उतना ही अटेंटिव आपके प्रति नहीं हो पा रहे जितना अटेंटिव उन्हें आपके प्रति होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आप उनको देखेंगे कि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपको समझ नहीं पा रहे हैं इमोशनली। हालांकि आप प्रयास करेंगे उनके साथ बनाकर चलने का, आप अपने काम में भी व्यस्त रहेंगे पर प्रयास भी करेंगे कि अच्छे से आप बनाकर चले, बट कहीं ना कहीं उनके थोड़े से उनके मूड स्विंग्स को आप फेस करेंगे। अगर आप इन कॉन्टैक्ट में हैं तो चांसेस है आप उनके मूड स्विंग्स को बहुत फेस करेंगे जिससे आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं। चांसेस है कि आपको लग सकता है कि ये बंदा या कॉम्प्लिकेटेड है या ये बंदी कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें समझना मुश्किल हो चुका है, ठीक है। बाकी बात करूँ उन लोगों की जो लोग सिंगल्स हैं तो चांसेस है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो सिंगल्स हैं वो बिकॉज ऑफ पास्ट पर्सन अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको पुश करना चाहिए नई शुरुआत के लिए। और ये वीक अगर मैं देखूँ तो रेट्रोग्रेड एनर्जी है और प्लस रिव्यू की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो भी घटित हुआ है अब तक, जो घटित हो रहा है, जो होने वाला है, उन सबको आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, समझने का प्रयास करना है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये समय है जहाँ पर आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा, अपने लाइफ लेसन से सीखना पड़ेगा, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई जिन्होंने गलत किया उन सबको समझना पड़ेगा। लोग आपके साथ दिमाग से खेल रहे हैं और आप उसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकते, आपको दिमाग से काम लेना है, यानी कि ऑलरेडी आप दिमाग यूज़ कर रहे हो बट कभी कभी ना आप ऐसे सोचते हो कि अरे शायद मुझसे गलती हो गई, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया। आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आप अपनी जगह पे राइट ही जा रहे हो, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हो तो आपको ये बात क्लियरली समझने की जरूरत है। ओके, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है धनुराशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है फॉर दिस वीक, क्या एडवाइस है? सब्र रखो, सब्र, फल की चिंता मत करो, काम करो, कर्म करते रहो, आपको सब्र रखना है। आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे ग्रो होंगे अपकमिंग इवेंट में, प्लस आपके जीवन में जिन लोगों ने आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ बनाकर रखी हुई है ना, जो आपके सर का दर्द बनकर बैठे हुए हैं या जो दो चेहरे लेकर बैठे हुए हैं, उनकी सच्चाइयाँ भी आपके सामने ही होंगी, यानी कि अगर सच आ चुका है तो उनका आप जो है उनके अंदर रिग्रेट भी देखोगे, पलड़ा यानी कि बेसिकली आपका भारी होते हुए देखोगे, पर यूनिवर्स कह रहा है सब्र रख, पॉजिटिव रखो, खुद पे फेथ रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे साथ बुरा जो हुआ है उसको देखकर मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा, लेकिन तब जब तुम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर रही होगी या कर रहे होगे। अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखो, अपनी लाइफ पे बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो और पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, पास्ट के लिए इतना अपने प्रेजेंट को खराब करना बंद करो, जो कल में बीत गया उस चीज़ को जाने दो और अब एक नई शुरुआत करो, सब कुछ एकदम क्लीन स्लेट की तरह, आपने चौक से बहुत सारी चीज़ें लिखी थी अब उसको साफ करके अब वापस से क्लीन स्लेट से दोबारा चौक से ABCD लिखना शुरू करो। ओके, लाइफ में सफलता सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी। ओके, सो ये थी धनुराशि वालों आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।